नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। हमेशा की तरह आज फिर आपके साथ एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। आज का जो विषय है वो है ईस्ट फेसिंग प्लॉट। आप अपने प्लॉट में नीचे स्टिल्ट पार्किंग और ऊपर 4 फ्लोर बनाने जा रहे हैं, या आप अपनी बिल्डिंग को तोड़ के नीचे स्टिल्ट पार्किंग और ऊपर 4 फ्लोर बनाने जा रहे हैं, और आपका प्लॉट, आपकी अपनी जो बिल्डिंग है वो ईस्ट फेसिंग है और बैक साइड में यानी वेस्ट में पश्चिम दिशा में आपकी सर्विस लेन है, तो ऐसे में आपको बिल्डिंग बनाते समय किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए? आपने अपने यहाँ पर मेन गेट कहाँ लगाना है, क्योंकि जब भी स्टिल्ट पार्किंग बनाई जाती है तो उसके अंदर 2 मेन गेट लगाए जाते हैं। आपने दोनों मेन गेट कहाँ लगाने हैं? पहला मेन गेट आपने नॉर्थ ईस्ट के भाग में ईस्ट की वॉल पर, और दूसरा मेन गेट भी आपने ईस्ट सेंटर में लगाना है। ध्यान रखना है जब आप गेट लगाएं, गेट वजन में हल्का होना चाहिए, जाली वाला होना चाहिए, और गेट की जो ऊंचाई है वो आपकी वॉल के लेवल के बराबर होनी चाहिए। यानी जो आपकी फ्रंट की दीवार है उसकी जितनी ऊंचाई बनती है उस ऊंचाई के बराबर आपने अपने मेन गेट बनवाने हैं। और एक बात का और ध्यान रखना है, जब आप अपना मेन गेट बनवाएं तो मेन गेट के जो पिलर है वो पिलर आपकी दीवार की मोटाई से बाहर नहीं निकलने चाहिए। यानी आपकी दीवार 9 इंच की है तो आपका पिलर भी 9 इंच का ही होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो ये मान लीजिएगा कि आपके नॉर्थ ईस्ट का भाग है उसका वास्तु बिल्कुल सही हो जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा इलेक्ट्रिक मीटर के बारे में। इलेक्ट्रिक मीटर आपने कहाँ लगवाना है? इलेक्ट्रिक मीटर आपने साउथ ईस्ट के भाग में साउथ की दीवार पर या ईस्ट की दीवार पर लगाना है। लिफ्ट और स्टेयर्स आपने कहाँ बनानी है? लिफ्ट और स्टेयर्स आपने साउथ के भाग में बनानी है। स्टेयर्स बनाते समय ध्यान रखना है स्टेयर्स आपके क्लॉकवाइज होनी चाहिए। पानी के अंडरग्राउंड टैंक आपने कहाँ बनाने हैं? पानी के अंडरग्राउंड टैंक आपने नॉर्थ ईस्ट की ओर, यहाँ पर आपने पानी के अंडरग्राउंड टैंक बनाने हैं। जितने फ्लोर आपके हैं उतने ही आपके वाटर टैंक बनेंगे। आपके यहाँ बैक साइड में सर्विस लेन है तो आपको बैक साइड में भी एक गेट लगाना है। वो गेट आपने वेस्ट सेंटर में लगाना है। आपको अपने यहाँ स्टिल्ट पार्किंग में एक टॉयलेट की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। वो टॉयलेट आपने साउथ वेस्ट के भाग में यहाँ पर बनानी है। ध्यान रखना है जब आप यहाँ पर टॉयलेट बनाएं तो टॉयलेट का फर्श का लेवल आपकी पार्किंग एरिए के फर्श के लेवल से कम 6 से 8 इंच ऊंचा होना चाहिए। और इसी के साथ एक बात और ध्यान रखनी है, लिफ्ट और स्टेयर्स का जो एरिया बनता है यहाँ से लेके वेस्ट की दीवार तक साउथ वेस्ट के भाग में आपने एक ठोस प्लेटफॉर्म बनाना है। आप जितना ऊंचा टॉयलेट का फर्श बनाएंगे उतना ही ऊंचा फर्श आपने साउथ वेस्ट का भी करना है। ये एरिया आपने ऊंचा करना है तब आप साउथ वेस्ट के भाग में एक टॉयलेट बना सकते हैं। अधिकतर देखने में आता है जब भी टॉयलेट बनाई जाती है तो टॉयलेट का फर्श पूरे फर्श के लेवल से 0.5 से 1.25 इंच नीचा कर दिया जाता है। साउथ वेस्ट के भाग में टॉयलेट बनाते हैं और उसका फर्श 0.5 इंच 1 इंच के करीब नीचा हो जाता है तो वो वास्तु दोष बन जाता है। यदि आप ऊंचा प्लेटफॉर्म करके टॉयलेट बनाते हैं तो उसका दोष आपको नहीं लगेगा। इसी में मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, जब आप साउथ वेस्ट के भाग में यहाँ पर टॉयलेट बनाते हैं तो यहाँ पर टॉयलेट शीट जो लगानी है वो नॉर्थ फेसिंग होनी चाहिए या साउथ फेसिंग होनी चाहिए। इसी के साथ आपको एक बात और कहना चाहूँगा, यहाँ पर जो शीट लगाए वो शीट आप वॉल हैंगिंग लगाएंगे तो इसका कोई भी दोष आपको नहीं लगेगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा फर्श की ढलान आपने कैसे करनी है। फर्श की ढलान आपने साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर, साउथ ईस्ट से भी नॉर्थ ईस्ट की ओर, और वेस्ट से भी नॉर्थ ईस्ट की ओर फर्श की ढलान लेकर आनी है। लेकिन आपके यहाँ सर्विस लाइन पीछे है और ज़्यादातर देखने में आता है जहाँ सर्विस लाइन होती है वहीं पर सीवरेज सिस्टम होता है। ऐसे में आपने करना क्या है, सारा पानी आप नॉर्थ ईस्ट के भाग में यहाँ पर इकट्ठा करें और पाइप के द्वारा नॉर्थ की दीवार के साथ साथ नॉर्थ वेस्ट से बाहर निकाल दें।
ऐसा करने से आपके यहाँ फर्श की ढलान भी सही हो जाती है, आपकी स्टेयर्स भी सही जगह आ जाती है, लिफ्ट भी सही जगह आ जाती है, पानी के अंडरग्राउंड टैंक भी सही हो जाते हैं और आपका साउथ वेस्ट का भाग फर्श के लेवल में ऊंचा भी हो जाता है। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा, आपने ध्यान रखना है, जो आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से डायगनल लाइन खींचते हैं साउथ ईस्ट तक और ऐसे ही साउथ वेस्ट से डायगनल लाइन खींचते हैं नॉर्थ ईस्ट तक, जो आपका सेंटर का भाग बनता है वहाँ पर कोई भी पिलर या कोई भी दीवार नहीं आनी चाहिए। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है, सेंटर के भाग से पानी की पाइप या सीवर की पाइपलाइन नहीं आनी चाहिए। आपको हमेशा ध्यान रखना है सेंटर के भाग में किसी भी तरह का कोई वास्तु दोष ना बने। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, बिल्डिंग बनाने के लिए एक पानी की बोरिंग भी लगाई जाती है। पानी की बोरिंग आपने कहाँ लगानी है? पानी की बोरिंग आपने जो आपके फ्रंट के भाग में दो गेट बनते हैं उसमें ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की ओर आपका बोरिंग आ जाती है और वाटर हार्वेस्टिंग टैंक आपने वो भी आपने ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के भाग में बनाना है। ऐसा करने से मेरा अपना ये मानना है कि आपकी बिल्डिंग समय पे पूरी हो जाएगी। पहली बात तो आपको बिल्डिंग बनाते समय किसी से कोई पैसा हाथ उधारा या कर्ज के रूप में नहीं लेना पड़ेगा। अगर लेना भी पड़ा तो जैसे आप इस बिल्डिंग के अंदर आएंगे, रहना शुरू करेंगे, तो मेरा अपना ये मानना है कि 6 महीने या साल भर के अंदर आपका वो कर्ज भी उतर जाएगा। लेकिन आपने इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना है जो बातें मैंने आपको बताई है। आप सभी अपना कीमती समय निकाल के मेरी वीडियो को देखते हैं तो उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने सर्कल में शेयर ज़रूर करें। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली मेरी जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।